नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी .com में। आइए रुख करते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की ओर। गैंगस्टर विकास लगरपुरिया दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, 30 करोड़ की चोरी का है मास्टरमाइंड। बिहार शराब कांड में बड़ी कार्रवाई, एसडीओ का हुआ तबादला, एसएचओ और कांस्टेबल को किया गया सस्पेंड। जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत पर बिहार के मंत्री समीर महसेठ का बेतुका बयान, कहा पावर बढ़ाओ सब बर्दाश्त कर लो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 99वां दिन, राहुल गांधी दौसा में करेंगे किसानों से संवाद। वांग झड़प पर बोले पूर्व विदेश सचिव गोखले, चीन इस मुगालते में ना रहे कि भारत चुप होकर बैठ जाए। वांग में तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन, चीन बॉर्डर पर आज गरजेंगे सुखोई राफेल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या, दिन दिहाड़े वारदात से इलाके में सनसनी। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में स्पेशल सेल ने जाली नोटों के रैकेट का किया भंडाफोड़, मामले में 2 गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में छात्रा की लाश मिली, प्रधानाध्यापिका सहित 6 टीचर्स के खिलाफ केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कश्मीरी पंडितों को धमकी, घाटी में न बसने की चेतावनी दी। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को लेकर आज गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक। अरुणाचल में तनाव के बीच लद्दाख में बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा चीन, मिसाइल रडार एयरबेस की संख्या में इजाफा किया। मुंबई में खसरे के 10 नए मामले सामने आए, वायरल बीमारी से 8 लोगों की मौत। पेड़ के ब्याज दर पर बढ़ाने के बाद बाजार पर दबाव, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भारतीय महिला टीम की दूसरी हार, 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम 2-1 से हुई आगे। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने छोड़ी टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी, टीम सऊदी को मिली कमान। फ्रांस ने तोड़ा अफ्रीकी और अरब देशों का सपना, मोरक्को को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में बनाई जगह। फीफा वर्ल्ड कप मोरक्को की हार के बाद ब्रसेल्स में प्रशंसकों का बवाल, पुलिस से भिड़े फैन। अमेरिका में चीनी छात्र गिरफ्तार, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति को धमकी दी थी। तो ये थी इस वक्त की 20 बड़ी खबरें। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।